अब आपको मिलवाते हैं गुजरात के वडोदरा में रहने वाली निशिता राजपूत से। निशिता ने 18 साल की उम्र से गरीब लड़कियों की पढ़ाई को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। निशिता लोगों से पैसे इकट्ठे कर इन लड़कियों की स्कूल फीस का इंतजाम करती है। निशिता का दावा है कि वो पिछले 12 वर्षों में 37,500 लड़कियों की मदद कर चुकी है और इसके लिए उन्होंने 4 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई है। अच्छा लगता है बिकॉज मैं ऐसा बोलूंगी कि हम किसी को पानी का दान करते ना तो 4 घंटे या 5 घंटे चलता है, हम किसी को वस्त्र दान करते 1 या 2 साल चलता है, बट हम किसी को विद्या दान करते हैं ना तो आने वाली 7 पीढ़ी का जीवन बदल सकते हैं। मैं हूँ निशिता राजपूत एंड आई एम 29 ईयर्स की हूँ मैं और सॉलिटर मशीन टूल्स लिमिटेड है उसके अंदर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट की कर। मैं पिछले 12 साल से मैं जो बच्चियां पढ़ना चाहती है उनको स्कूल फीस के लिए हेल्प करती हूँ एंड टिल नाउ अभी तक मैंने 37,500 बच्चों को स्कूल फीस के लिए हेल्प की है 4 करोड़ 26 लाख की। एक्चुअली मैं जस्ट आई एम जस्ट मीडिएटर हूँ एक डोनर के और एक बच्चे को जिसको पढ़ना है उसके बीच में एक जस्ट मीडिएटर हूँ और मेन मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने 151 गर्ल्स से स्टार्ट किया था, तब मैं 1000 का अकाउंट पे चेक कलेक्ट करती थी और डायरेक्ट स्कूल के नाम में डिपॉजिट करवाती थी। सो जो डोनर्स होते हैं उनके पासबुक में तो एंट्री होती है कि कौन से स्कूल में हमारा चेक गया, प्लस वो किस बच्ची को हेल्प कर, उसका फोटो, उनका रिजल्ट, उसके मम्मी पापा क्या करते, पूरा बायोडाटा मैं रिटर्न करती हूँ डोनर को। सो एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया था, जो डोनर्स मुझे 5 चेक देते थे फिर मीन्स जितने 10, 20, 25 आज वो लोग मुझे 5 लैक्स के भी देते हैं, कोई 11 लैक्स के भी चेक्स देते हैं, तो बढ़ते गए अभी मुझे। मेरा नाम उर्मिला अजय सावंत है, मैं वारोसिया से आती हूँ, मेरे को 2 बेटी है, मेरी बेटियाँ 1 7 में 1 4 में और सेंट रिजल्ट में पढ़ती है और पढ़ने में यानी कि हमारी नॉर्मल परिस्थिति है उसमें निशिता दीदी हमको हेल्प करती है, अनाज की किट देती है, उसमें दिवालियों में कपड़े, फिर होली में खजूर दानी, वैसा सब हेल्प ज्यादा करती है। नहीं फीस की यानी कि मैंने स्कूल में बात की तो मैं फीस सुन के ही डर गई थी, फिर मुझे इनका एड्रेस मिला निशिता राजपूत का, वहाँ पे मैं गई, उनने मुझे हेल्प की, हेल्प करने के बाद मुझे उत्साहित हुआ कि मैं बच्चियों को पढ़ाऊँ, कुछ आगे बन करके दिखाऊँ उनको। और मेरी बच्चियाँ भी मुझे बोलती है कि मम्मी निशिता दीदी अपने को हेल्प करती तो मैं पढ़ू। मेरा नाम शैलेश परमार है, मेरी बच्ची वैशाली शैलेश परमार और 9th अभी 10th में पढ़ रही है। हम निशिता मैडम के संस्था से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, उनकी संस्था से उन्होंने जो भी काम करे अच्छा काम करे, समाज के लिए अच्छा है, लड़की लेके खास तरीके से अच्छा है। हमने वो स्कूल में पढ़ती थी जहाँ पे वहाँ पे एक बहन ने बताया था कि भाई ये संस्था है आप वहाँ पे जाओ आपकी बच्ची के लिए वो मदद करेंगे। एक्चुअली मैंने गर्ल्स तो मैंने 151 गर्ल्स से शुरुआत की थी और घर से शुरुआत की थी, पापा ने मुझे सपोर्ट किया था, फिर पापा के फ्रेंड सर्कल है, मेरे जो नेबर्स है, जो पड़ोसी है मेरे, जहाँ सोसाइटी में रहती हूँ, उन्होंने मुझे हेल्प किया था। अब मेरे पास 500+ जैसे ऊपर डोनर्स होंगे और प्लस बड़ौदा के ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जो मुझे खुद उनके पेंशन में से जो बचत करते हैं उनको मुझे चेक्स देते हैं एवरी मंथ। यूएसए से भी मुझे पटेल समाज ने हेल्प किया था, यूके से है, इवन दुबई से भी चेक्स आते हैं, मुंबई, हर जगह से मुझे चेक्स आते रहते हैं मुझे, बिकॉज ऑफ एक ट्रांसपेरेंसी मैंने बिल्डअप की है मेरे काम के, जो उनको पूरा बायोडाटा रिटर्न करती हूँ कि आपके पूरे पैसे सदुपयोग हो रहे हैं एक अच्छी बच्ची को पढ़ाने के लिए जिसको पढ़ना है। मैं निशिता दीदी को पहले साल में मिला
और मेरे को पूरा डिटेल में समझाया कि बच्चों को पढ़ाना है, तो मैंने कहा तो मेरे को जरा समझा दे ढंग से तो मैं जरूर हेल्प करूंगा। पहले साल में समझाया मुझे, मुझे अच्छा लगा, तो मैं 2 लाख से शुरू किया था फर्स्ट से, फिर धीमे धीमे अच्छा लगा। गरीब लड़की पढ़ रही है, पैसे की वजह से क्या अमुक लड़की पढ़ना है, पैसे की वजह से नहीं पढ़ सकती है, तो मेरे को ये जो काम लड़की करती है बहुत अच्छा लगा। तो मैं धीमे 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 करके 2 से 2.5 पे आया, 3 पे आया, 3.5 पे आया, 4, 4.5, अभी मैं 5 लाख की हेल्प करता हूँ। और बोला है अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो कुछ और मैं भी कुछ मदद करूंगा, तो मेरे पैसे कुछ सही जगहों पे जाते हैं तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और ये लड़की जो काम कर रही है ढंग से और मेरे पैसे सही जगहों पे जाते हैं और पारदर्शक काम कर रही है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैं भी जो दान करता हूँ वो पैसे मेरे सही ढंग से सही लड़कों पढ़ती है तो लड़की आगे जाएगी तो अपना देश का कुछ न कुछ विकास करेगी, ऐसा मेरा अंदाज है। फादर माय रोल मॉडल बोलूंगी, मेरे पापा है गुलाब सिंह राजपूत, उनसे इंस्पायर हुई थी बिकॉज हमारे घर में एक एटमोसफियर था। हम लोग जब छोटे थे स्कूल्स में तब हमारे घर अनाथ जो बच्चे होते हैं उनको लाते थे मम्मी पापा, और वी यूज्ड टू शेयर, हमारे बेडरूम शेयर करते थे उनके साथ, और हमारे साथ 1 वीक रहते थे, हमारे साथ जैसे पापा मम्मी हमको ट्रीट करते थे वैसे उनको ट्रीट करते थे। सो एज अ गर्ल चाइल्ड फिर मैं 12th के अंदर आई, फिर एज अ गर्ल चाइल्ड मुझे लगा कि बच्चियाँ पढ़ेगी तो उनके पैरों पे खड़ी रह पाएगी और आगे बढ़ेगी, एटलीस्ट समाज में चिट नहीं होगी। सो मैंने स्कूल फीस के लिए स्टार्ट किया, तो बच्चों को स्कूल फीस के जिसको पढ़ना है बट स्कूल फीस नहीं पे कर पाते फीस उनकी, तो उन्होंने स्टार्ट किया था गर्ल्स से, मैंने पापा से हेल्प लेके पॉकेट मनी सेव करती थी, पापा पॉकेट मनी देते थे उनके बचत से भी मैं उनको हेल्प करने जाती थी ऐसा। निशिता जब बचपन में थी तब से वो मेरे साथ आती थी बाहर रोड पे, लोगों को बच्चों को खाना खिलाती थी, सुबह दूध केला और बिस्किट देती थी, मेरे साथ रोज आती थी सुबह में। तब से उसको लगा कि मैं नहीं, मैं डैडी मैं लड़कियों के लिए कुछ करूं, तो आज से 12 साल पहले उन्होंने लड़कियों को पढ़ाना स्टार्ट किया और 151 लड़की थे स्टार्ट किया, आज 10,000 लड़कियाँ पढ़ रही है। मेरे को बहुत प्राउड होता है कि मेरी लड़की जिस तरह से पढ़ी है और आगे बढ़ी, इसी तरह से ये जो लड़कियों को पढ़ाती है वो भी गरीब और मध्यम वर्ग से आती है, तो शायद कल उठ के इसके जैसा कोई काम करे या कोई डॉक्टर बने कोई वकील बने, तो ये लड़कियों को पढ़ाएगी तब वो आगे बढ़ेगी ना। एक्चुअली मेरे पापा का बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे साथ, पापा और मम्मी का, मुझे पापा मम्मी बहुत सपोर्ट करते हैं इसके लिए, एंड मैं जो कंपनी में डायरेक्टर हूँ वो भी मुझे मेरे इस कॉज के लिए, वो भी मुझे स्कूल फीस के बच्चियों के लिए भी, प्लस जो सुपर सीनियर सिटीजन है बड़ौदा में जिनको कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ऐसे 207 सीनियर सिटीजन को हम टिफिन सर्विस प्रोवाइड करते हैं डेली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए भी मेरी कंपनी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। सो इट्स इजी बैलेंस हो जाता है, भगवान की कृपा से सब कुछ बैलेंस हो जाता है।